नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम सेकंड ईयर में हैं, इस बार कॉलेज भी नहीं लगा और हमें कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे हम आराम से पास हो सकें, अच्छा परसेंटेज भी बना सकें। तो दोस्तों मैं लगातार इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। कल भी मैंने वीडियो डाला था कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार इस बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। कई जगह देखिए 2 सितंबर से और लगभग 15 सितंबर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लगभग क्लियर कर चुकी है कि जैसे ही फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे उसके तुरंत बाद सेकेंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो मानकर चलें दोस्तों लगभग अभी आपके पास कई यूनिवर्सिटी, देखिए सेकावाटी की बात करें 2 सितंबर से है तो वहां पर ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन लगभग 15-20 दिन आपके पास है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इनके लेकर दोस्तों आप किस प्रकार पढ़ें, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं दोस्तों हमेशा इसके पक्ष में हूं कि आपको हमेशा बुक से पढ़ना चाहिए, लेकिन अब इतना आपके पास समय नहीं है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीजें कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपको अच्छे परसेंटेज बना सके, तो इन चीजों पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज आपके लिए आ रही है। लगातार मैंने लगभग चीजें तैयार कर ली हैं, वीडियोस भी बना लिए हैं, अब आपके लिए लगातार वीडियोस आएंगे, कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलेंगे ताकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए। अब इसके अलावा भी आप किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं इसको लेकर भी मैं आपको चीजें शेयर करने वाला हूं, एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, पूरी बुक तो नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि आप 2-2, 3-3 यूनिट तैयार करेंगे तो आपसे पूरी बुक तो नहीं पढ़ी जाएगी अगर आप कॉलेज में नहीं गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी मैं हमारे टाइम को देखिए दोस्तों ये कोरोना नहीं था तो उस वक्त जो हमने एग्जाम दिए तो हम लगभग 5 यूनिट पढ़नी है तो उनमें से हम 3-3.5 यूनिट अच्छे से तैयार करते हैं और जो 1-1.5 यूनिट बची है उसको जो मैं बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं तो लगभग क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं और दोस्तों अच्छा स्कोर लगभग 85% मैंने बनाए हैं। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसा कुछ है। अब तो आपको सिर्फ 2 ही यूनिट पढ़नी है, केवल मात्र 2 या 2.5 यूनिट आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप 100% का काम कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए बुक से भी पढ़िएगा लेकिन ये चीज भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आपने चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरा मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूं, निश्चित रूप से आपको ये चीजें काम में आएंगी। जो भी आपके लिए मैंने कहा बहुत सारे आपके लिए वीडियोस आएंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपके लिए जितना मुझसे हो सकता है आपकी हेल्प के लिए उतना मैं सब कुछ आपके लिए करने वाला हूं। तो देखिए मान लीजिए आप कोई यूनिट ले रखी है, आपने यूनिट में मान लीजिए 2-3 चैप्टर है आपके पास, 1-2-3 चैप्टर इस प्रकार चैप्टर है या कहीं में एक चैप्टर ही होता है लगभग, ऐसा है केमिस्ट्री फिजिक्स आप देख सकते हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने जैसे ही चैप्टर पूरा करते हैं, आप जैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप चैप्टर पूरा करते हैं, चैप्टर एक आपने पूरा कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ जो आपको सारांश के रूप में चैप्टर का सारांश मिलता है, यानी पूरा निष्कर्ष चैप्टर का निचोड़ आपके, यानी पूरा आपने पार्ट पढ़ लिया उसके बाद जो 1-2 पेज के अंदर पूरा निष्कर्ष मिलता है और उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों लगभग 30 से 50 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, यानी इतने क्वेश्चन आप आराम से 2 या 2.5 पेज के अंदर होंगे तो आप आराम से उन चीजों को पढ़ सकते हैं, आप आराम से उन चीजों को याद कर सकते हैं। लगभग इतने में आप एक चैप्टर के अंदर 1 घंटा देंगे तो भी आप अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये फायदेमंद कैसे होगा, ये फायदेमंद ऐसे होगा दोस्तों, तो देखिए बड़ा क्वेश्चन तो आपको पूरा विस्तार करना आता है, बड़ा तो यानी जो बड़ा प्रश्न आएगा, लेकिन जो छोटे हैं और जो आपके पास है उससे थोड़ा सा बड़ा है, अति लघुरात्मक है यानी जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन और उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो आप इनमें से क्वेश्चन सारे के सारे आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो ये 30 से 50 है उनमें से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, छोटे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाएंगे, छोटा क्वेश्चन तो बाहर जाएगा ही नहीं, और जो बड़े थोड़े से बड़े क्वेश्चन है वो इनमें से आराम से आ जाएंगे। तो यानी अगर आप अच्छा देखिए स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो बुक से पढ़िएगा, लेकिन अगर आप पासिंग मार्क चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम पास हो जाएं कैसे भी करके और थोड़ा बहुत हमारे परसेंट बन जाए तो आप ये कर सकते हैं। जो आपका सारांश आपको मिलेगा चैप्टर का, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा अच्छे से तो उसके बाद आपको सारांश मिलेगा तो वो आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको चीजें तो समझ में नहीं आएगी, बहुत कम चांसेस है कि चीजें आपको समझ में आए,
लेकिन आप उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, उन्हें लिख लिख कर याद कीजिए और फिर वो देखिएगा कितने क्वेश्चन उनमें से आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही नई नई चीजें आपके लिए और भी हम लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स ये चीजें कर सके, जिन्हें पास होना है, जिन्हें अच्छा स्कोर करना है तो वो आराम से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। और जो थोड़े से होशियार स्टूडेंट है वो तो ऐसा हमेशा ही करते हैं दोस्तों, चिंता नहीं करें आप, सभी ऐसा करते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। दबाकर शेयर कीजिए दोस्तों, दबाकर हमारा सपोर्ट कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट दिखाएं अपना, तभी ये मेहनत आपके लिए सक्सेसफुल होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।